अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का डे कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ कि सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम जा रहे हैं उमरे के लिए। तो मैंने सोचा कि उन्हें कुछ शॉपिंग कर लीजिए बच्चों की, और सुना है कि सऊदी में थोड़ी सी गर्मी है, तो इसलिए मिक्स से जो है वो हम बच्चों के कुछ जंपर्स वगैरह ले लेंगे और ट्राउजर्स ले लेंगे। तो मैं जा रही थी जो प्राइमार्क में। वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पे भी, अब जो यूके में भी है थोड़ा सा विंटर की फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, वरना जैसे कि अब नवंबर भी स्टार्ट हो चुका था लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। तो ये जी हम आए थे प्राइमार्क में, और प्राइमार्क मैंने आपको स्टोर विज़िट अपनी एक वीडियो में दिखाया हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर इस लिंक पे जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है। बस ये जैसे कि आपको पता है कि एंड टाइम पर भी छोटी मोटी शॉपिंग रह जाती है, और बच्चों के साथ अगर आपने ट्रैवल करना होता है तो आप मेक श्योर करेंगे आप कहीं पे भी ट्रैवल करें तो उसके अकॉर्डिंग वेदर जो है वो बच्चों के क्लोथ्स ज़रूर लेके जाएं, और क्योंकि जाते जाते आप शॉपिंग नहीं करते तो मेक श्योर बच्चों की आप पूरी चीज़ें लेके जाया करें, इवन बड़ों के भी लेके जाया करें, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बच्चों की होती है। बड़े फिर भी वेदर को बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन बच्चों के जो हैं वो बीमार होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो हमने बाय की, और फिर हम वापस जो है वो घर की तरफ निकल आए। तो लेकिन घर से हमें याद है कि अब जो है हम पैकिंग भी करनी है, तो क्यों ना हम कुछ खाना भी बाय करें। तो इसके लिए अब हम जा रहे थे टेस्को, और मैं आपको टेस्को स्टोर भी दिखाती हूँ ग्रोसरी शॉप के लिए है। तो इसमें हमने थोड़ी सी चीज़ें बाय करनी थी, साथ में यहाँ से चिकन हलाल भी मिल जाता है, तो हमने सोचा कि यहीं से चिकन ग्रिल चिकन ले लेते हैं, और साथ में घर जाके जो है वो एयर फ्राई में रख कर जो है वो कुक कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने तो कुछ यहाँ से ट्रैवलिंग का जो है खाने पीने की चीज़ें भी लेनी थी ताकि हमें जाके प्रॉब्लम ना हो, और बच्चों में स्पेशली जो है वो शौक से खाते हैं जो चीज़ें क्रैकर्स या बिस्किट्स या कुकीज़ मिल्क जो है उनका, वो आप अपने कंट्री से ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बच्चों के टेस्ट डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उनका जो है स्टमक अपसेट ना हो, तो मेक श्योर करें कि आप बच्चे जो यूज्ड टू हैं जिस चीज़ के वही आप लेके जाएं। तो बच्चे जो कि ट्रैवलिंग की चीज़ें ले ली थी, साथ में हमने अपने लिए भी चीज़ें सामान काफ़ी ज़्यादा ले लिया हुआ था। जब हम घर आए थे ये कुक किया था मैंने जो है ब्रोकली विद चीज़ और ग्रिल चिकन था साथ में, तो बस हमने खाना खाया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट विज़िट जो मैं आज करने गई थी वो था जी बर्ड्स के लिए, कुछ फूड रखने के लिए मुझे कोई अच्छा सा केज चाहिए था या कुछ भी मुझे मिल जाए, तो वो मैं देख रही थी काफ़ी दिनों से तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मेरे घर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एक शॉप थी जो कि बर्ड्स की थी, मैंने सोचा उसको विज़िट करती हूँ, तो फिर देखती हूँ कि अगर वहाँ पर मुझे कोई चीज़ मिल जाए जिसमें मैं उनके लिए दाना डाल सकूँ और साथ में पानी भी रख सकूँ। तो बस ये मैं वॉक करके जा रही थी। तो आज का डे काफ़ी बिज़ी रहा क्योंकि हमने ट्रैवल करना है, तो मेक श्योर कर रही थी कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएं घर पर भी, ताकि बाद में आके प्रॉब्लम ना हो, पीछे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। Thank you.
इस शॉप में काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सेसरीज थी पेट्स की, और यहाँ पे फूड भी था उनका, काफ़ी अच्छी शॉप थी और काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी। तो फाइनली मैं कुछ चाह रही थी कि कोई कुछ मुझे इस तरह का मिले जिसमें बहुत ज़्यादा वो कंजस्टेड ना हो, दाना अभी गिरे ना ज़्यादा ताकि वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ पे लुक अराउंड कर रही थी कि जो मुझे ऐसा खुला सा कोई ट्रे टाइप ही मिल जाए जो कि मैं हैंग कर सकूँ कहीं ईजीली, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप कहीं पे भी फूड डालते हैं बाहर, यानी कि गार्डन में अपना या कुछ भी आप दाना वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पे जो है चूहों का बड़ा मसला होता है कि वो खाने ना आ जाए। तो ये मेक श्योर करना होता है कि जी आप किसी ऐसी जगह पे इनका दाना डालें ताकि जो है वो बिल्ली या जो है इनके सेस में ना आ सके। तो बस अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और मुझे बड़ा खूबसूरत सा मेरे मूड के मुताबिक एक ट्रे टाइप एक हैंग करने के लिए मुझे उनके फूड कंटेनर मिल गया था, तो मैं घर जाकर उसको हैंग करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये देखें जी, जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही मुझे मिल गया, और ये बड़ा इजीली जो है वो ट्री के साथ हैंग हो गया था और इजी एक्सेस था फूड डालने के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। तो ये था जी आज का दिन, और कल हम इंशाल्लाह जो है पैकिंग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।